ब्रांड की दुनिया में अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों ही छाए हुए हैं। ब्रांड यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्पेशली कहो, हाल फिलहाल में आपने स्वैग से सोलो करके सलमान खान का एक गाना देखा था, जो पेप्सी को का जो एड था पेप्सी का उसके लिए यूज हुआ था। वहीं अक्षय कुमार का भी एक नया एसोसिएशन हाल ही में सामने आया, जहां पर वो पेप्सी को का एक ब्रांड है कुरकुरे, जो खाते है ना तेरे है पर मेरे है वही, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। यानी कि सलमान खान और अक्षय कुमार ये दोनों ही जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उनके चहीते हैं और लाडले हैं। चाहे इनका अक्षय कुमार का वो बोलते ना अंडरवियर का एक एड है ना, वो इसमें एक्शन करते हुए नजर आते हैं। वहीं सलमान खान का एक एड है एपिफ्रीज है ना, तो हर तरह के जो एड्स है सलमान और अक्षय इन दोनों के पास बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। मुझे नहीं लगता इन दोनों स्टार के अलावा किसी के पास इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है। तो कुल मिला के कहा जाए तो सलमान खान और अक्षय कुमार फिलहाल ब्रांड्स में बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और आने वाले 5 से 10 सालों में इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसी तरह से बनी रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और अक्षय कई सारे एड्स हैं साइन करते जा रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा कुछ सालों में ये भी हो सकता है कि शायद अक्षय ज्यादा आगे निकल जाए ब्रांड्स के उसमें से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सलमान खान एक ऐसे लौते अकेले एक्टर बॉलीवुड में जो नजर आ रहे हैं, जो अक्षय कुमार को उनकी जो तेजी से जो भागने वाली जो रेस है चाहे ब्रांड्स में हो चाहे फिल्मों में उसको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ सलमान खान। तो ये दोनों एक्टर चाहे फिल्में हैं चाहे ब्रांड्स हैं, इन दोनों जगह छाए हुए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है अक्षय कुमार और सलमान खान के बैंड्स को लेकर? आपको कौन सा उनका एड है या किसी एडवर्टाइजमेंट है जो अच्छी लगी हो, चाहे सलमान खान की या अक्षय कुमार की, जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में या प्रचार की दुनिया में कौन ज्यादा आगे लग रहा है आपको, अक्षय या सलमान खान? जरूर बताइएगा। बाय बाय।